महिला दिवस पर 8 मार्च को बेटियों और महिलाओं को किया जा रहा है जगह जगह पर सम्मानित। बाहरी दिल्ली के नरेला में बेटियों को शिक्षित और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी महिला श्रीमती संगीता राजकुमार योगी अध्यक्ष ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन और टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज के माध्यम से बाकनेर एनजीओ कार्यालय में महिला दिवस पर बेटियों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद हंसराज हंस, पूर्व विधायक नीलदमन खत्री, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ मुख्य संरक्षक सतबीर सिंह राणा, टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज प्रबंधक रोहतास सिंह योगी, वरिष्ठ समाज सेवी वर्षा पवार ने बच्चियों को सम्मानित किया। वर्षा जी, कि आज वुमेन डे है, सबसे पहले तो आपको बधाई टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और संस्था है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल का संगठन उसकी तरफ से भी। और आज वुमेन डे है, आप बहुत सी जगह गए होंगे, क्या कुछ आज देखने को मिलता है? और वैसे समाज सेवा करते रहते हैं आप, तो क्या कुछ आप देखते हैं कि लोगों का किस तरह का मतलब व्यवहार रहता है, क्या अनुभव है आपका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। और मैं सोशल वेलफेयर ड्रीम कौशल विकास एनजीओ जो संगठन मेरे बाकनेर में है, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे यहाँ सौभाग्य मिला आने का। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आज वुमेंस डे पर, महिला दिवस पर, जितनी भी हमारे भारत में महिलाएँ हैं, उन महिलाओं को भी मैं महिला दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि इस संगठन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है यहाँ के क्षेत्र की, जो पारिवारिक स्थिति से मजबूत नहीं है जो परिवार, उनकी बच्चियों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। क्योंकि आज के समाज में बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। हम देख रहे हैं, हर जगह देखते हैं, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, अपने आसपास में, महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिलाएं हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, प्लेन भी उड़ाई है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर महिला नहीं है तो संसार का अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ महिलाएं नहीं होती, जिस परिवार के अंदर, जहाँ जिस परिवार के अंदर बेटियाँ नहीं होती, जिस परिवार के अंदर बहू नहीं होती, जिस परिवार के अंदर माँ नहीं होती, वो परिवार सूना है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ धरती माता, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके कोख को हम, जिसकी ज़मीन को खोदकर हम अनाज उगाते हैं, वो धरती माता, वो भी एक नारी ही है। और जिस पैसे को लेकर हम बाज़ार में जाते हैं, वो लक्ष्मी, वो भी नारी है। और जिससे हमें शक्ति चाहिए, दुर्गा, वो भी नारी है। और जो संगारक है, माँ कालिका, वो भी औरत है। तो हम जब पूजा करते हैं तब तो हमें औरत नज़र आती है, तब तो हमें देवियाँ, हम उनको जब पूजते हैं, नवरात्रों में कन्याएं जमाते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। नवरात्रों में देवियों के लिए हम कन्याओं को ढूंढते फिरते हैं, वैसे कन्याओं की भ्रूण में हत्या की जाती है। ये सच में एक गंभीर विषय है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, इस एनजीओ के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, इन बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, यहाँ की शिक्षिकाओं को, यहाँ की बच्चियों को, बस मैं अपनी तरफ से गुड विशेस देना चाहूँगी और चाहूँगी ये एनजीओ आगे आने वाले समय में एक पूरे विश्व में अपना नाम करे और दिखाए कि महिला शक्ति जिंदाबाद है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है, महिला शक्ति जिंदाबाद है। और टैलेंट ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से एक ही गुजारिश है, और उसके साथ साथ ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन जो एनजीओ है, उनकी तरफ से भी ये प्रार्थना है कि कृपया करके लिंग जांच ना कराएं, क्योंकि गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का अंश है, किसी और का नहीं। उसे आने दे, क्या पता संसार में आके वो आपकी पिछले वाली जितनी भी पीढ़ियाँ जा चुकी है उनका भी नाम रोशन कर दे, और आने वाली जितनी पीढ़ियाँ उनका भी नाम रोशन कर दे। तो इसलिए बेटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ बेटी नहीं वहाँ कुछ नहीं।